मानसिक बीमारी की यही सबसे बड़ी विडंबना है कि रोगी को छोड़कर सबको पता होता है कि इसे कोई गंभीर बीमारी है, पर रोगी यह मानने को तैयार नहीं होता कि उसे कोई बीमारी है या उसे इलाज की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और हमारे चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गंभीर मानसिक बीमारी के विषय में जिसका यदि समय रहते इलाज ना कराया जाए तो रोगी की जान भी जा सकती है। इस बीमारी का नाम है सिज़ोफ्रेनिया। जॉन एफ नैश, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, उन्हें भी यह गंभीर रोग हुआ था और उन्होंने इस रोग पर विजय प्राप्त की। उनके जीवन को एक बहुत ही मार्मिक फिल्म अ ब्यूटीफुल माइंड में कैद किया गया है। सिज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो लोगों के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। इसके परिणाम स्वरूप मति भ्रम और अव्यवस्थित सोच और व्यवहार का मिश्रण हो सकता है। मति भ्रम में ऐसी चीजें देखना या आवाजें सुनना शामिल है जो दूसरों द्वारा नहीं देखी जाती। भ्रम में ऐसी चीजों के बारे में दृढ़ विश्वास होता है जो सच नहीं होती। सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोग वास्तविकता से संपर्क खो सकते हैं, जिससे दैनिक जीवन बहुत कठिन हो सकता है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को आजीवन उपचार की आवश्यकता होती है। सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित बहुत से लोग नहीं जानते कि उन्हें कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या है और उन्हें यह भी नहीं लगता कि उन्हें उपचार की आवश्यकता है। इसलिए कई शोध अध्ययनों ने अनुपचारित मनोविकृति के परिणामों की जांच की है। जिन लोगों को मनोविकृति होती है और जिनका उपचार नहीं किया जाता, उनमें अक्सर अधिक गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं। उन्हें अस्पताल में अधिक समय तक रहना पड़ता है, सोचने और समझने की शक्ति में कमी आती है और परिणाम स्वरूप चोटें लगना और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। दूसरी ओर यदि प्रारंभिक उपचार शुरू कर दिया जाए तो गंभीर जटिलताओं के उत्पन्न होने से पहले लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है और रोग को ज्यादा बढ़ने से रोका जा सकता है। सिज़ोफ्रेनिया में लोगों के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके में कई तरह की समस्याएं शामिल होती हैं। इसके लक्षणों को कुछ इस तरह से देखा जा सकता है। सबसे पहला लक्षण है भ्रम। यह तब होता है जब लोग ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं जो वास्तविकता में सत्य नहीं होती। उदाहरण के लिए सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोग सोच सकते हैं कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। वे सोच सकते हैं कि उन पर इशारे या टिप्पणियां की जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। वे ऐसा भी सोच सकते हैं कि वे बहुत प्रसिद्ध हैं या उनके पास बहुत क्षमता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। या उन्हें लग सकता है कि कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, जबकि यह सच नहीं है। सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित ज्यादातर लोगों को इसी तरह के भ्रम होते हैं। इसका दूसरा लक्षण है मति भ्रम। इसमें आमतौर पर ऐसी चीजें देखना या सुनना शामिल होता है जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख पाते। सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों को यह चीजें वास्तविक लगती हैं। मति भ्रम किसी भी इंद्रिय से हो सकता है, लेकिन आवाजें सुनना सबसे आम है। सिज़ोफ्रेनिया का तीसरा लक्षण है अव्यवस्थित बातचीत और सोच। अव्यवस्थित बातचीत अव्यवस्थित सोच का कारण बनता है। इस बीमारी से पीड़ित लोग दूसरे लोगों से बात करना मुश्किल हो सकता है। सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोग सवालों के जो जवाब देते हैं वे पूछे जा रहे सवालों से संबंधित नहीं होते, या हो सकता है कि सवालों का पूरा जवाब ना दिया गया हो। कभी कभी बातचीत में असंबंधित शब्दों को इस तरह से जोड़ना शामिल हो सकता है कि उन्हें समझा ना जा सके। इसका चौथा लक्षण है अत्यधिक अव्यवस्थित या असामान्य व्यवहार। यह कई तरीकों से प्रकट हो सकता है, बच्चों जैसी हरकतों से लेकर बिना किसी कारण के उत्तेजित होने तक। रोगी का व्यवहार किसी लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होता, इसलिए कार्य करना कठिन होता है। सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोग निर्देशों का पालन नहीं करना चाहते। वे ऐसे तरीके अपना सकते हैं जो सामान्य नहीं हैं, या हो सकता है कि वो बिल्कुल भी प्रतिक्रिया ना करें। इसके अलावा एक नकारात्मक लक्षण भी होता है। सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोग अपनी बीमारी शुरू होने के पहले की तरह काम नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए वे नहा नहीं पाते, आँख से आँख नहीं मिला पाते या भावनाएं नहीं दिखा पाते। वे सामान्य आवाज में बात भी नहीं कर सकते और आनंद महसूस नहीं कर पाते। साथ ही वे रोजमर्रा की गतिविधियों में रुचि खो सकते हैं।
सामाजिक रूप से अलग थलग हो सकते हैं और आगे की योजना बनाने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। यह लक्षण अलग अलग रोगियों में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और उनकी गंभीरता भी अलग अलग हो सकती है। कई बार लक्षण बेहतर या बदतर हो सकते हैं और कुछ लक्षण हमेशा मौजूद रह सकते हैं। आत्मघाती विचार और व्यवहार। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों में आत्महत्या के विचार और प्रयास औसत से कहीं ज़्यादा होते हैं। अगर रोगी आत्महत्या के खतरे में है या उसने आत्महत्या का प्रयास किया है तो सुनिश्चित करें कि कोई व्यक्ति हमेशा उसके साथ रहे। बीमारी का उचित उपचार आत्महत्या के जोखिम को कम कर सकता है। अब सवाल यह आता है कि डॉक्टर को कब दिखाएं? तो जितने भी लक्षणों की बात अभी तक की गई है, यदि उनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको मरीज को लेकर जल्द ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि सिजोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों को अक्सर पता ही नहीं होता कि उन्हें ऐसी कोई मानसिक बीमारी है जिसके लिए उन्हें चिकित्सकीय सहायता की ज़रूरत है। इसलिए अक्सर परिवार या दोस्तों को ही उनकी मदद करनी पड़ती है। तो यह थी एक अजीबोगरीब गंभीर मानसिक बीमारी, जिसका यदि समय रहते इलाज हो जाए तो काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।